एक वीर बालक सुमित यादव यहाँ पर बैठे हैं, उनके आदरणीय दादाजी बैठे हैं, आदरणीय दादी जी बैठी है, आदरणीय माता जी बैठी है, आदरणीय पिताजी बैठे हैं, पूरा परिवार बैठा है। मैं इनके गांव में भी गया। वीरता का क्रम स्वयं से शुरू ना होकर के अगर हमारे लिए संस्कारों में प्राप्त हो, हमारे रक्त में प्रवाहित हो, जिस कुल में हमने जन्म लिया है, अगर दान वीरता के और वीरता के संस्कार हमें कुल से प्राप्त हो, तो निश्चित तौर पर यह बहुत श्रेष्ठ बात होती है। मैं बिल्कुल वीर बालक सुमित के लिए भामाशाह दान वीर भामाशाह और परम प्रतापी भामाशाह से जोड़ना चाहता हूं कि हमारे ही परिवार के कुछ बच्चे, व्यापारी समुदाय के कुछ बच्चे जब उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और एक घटना घटी, तो प्रायः ये होता है कि कोई घटना ऐसी है तो लोग मदद कर देते हैं, लेकिन अपनी जान पर खेल करके कोई मदद नहीं करता। लेकिन अपनी जान पर खेल करके अगर कोई मदद करे तो ये विशेष बात है। ऐसे इस बालक ने हमारे कई परिवारों के चिरागों को बुझने से बचाया, अपने प्राणों को संकट में डाल करके जिस प्रकार से दानवीर भामाशाह जी ने जब ये देखा कि अकबर की सेना महाराणा प्रताप को परास्त कर रही है, महाराणा प्रताप जंगलों में घूम रहे, महाराणा प्रताप के पास धन यश वैभव राजपाट सब छिन चुका है, जो थोड़े से बहुत विश्वासी सैनिक बचे हैं उनको भी पगार देने के लिए पैसा नहीं है, जंगलों में घूम रहे, तो भामाशाह ने सोचा, वो व्यापारी परिवार का था, अथाह संपत्ति थी उसके पास, उसने सोचा कि मेरा देश संकट में है, मेरा राजा संकट में है, इस देश की प्रजा संकट में है, तो ऐसे संकट के काल में मैं इस धन को सहज करके क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा इस खजाने का, हीरे मोती जवाहरात असमियों का, धन का। और उनके मन में यह विचार आया, हालांकि वो पैसे भी महाराणा प्रताप के परम मित्र थे, लेकिन वो गए और कहा कि महाराणा प्रताप, आज मैंने ये संकल्प लिया है कि मेरे खजाने में जितना भी धन है, जितनी भी असरफियां हैं, सोना चांदी हीरे जवाहरात धन नगद इत्यादि इत्यादि इत्यादि, वो सारा मैं तुम्हें देता हूं, इस राष्ट्र को समर्पित करता हूं, तुम्हें समर्पित करता हूं, क्योंकि राष्ट्र बचना चाहिए, तो राष्ट्र बचेगा, देश बचेगा, जनता बचेगी, प्रजा बचेगी, तभी मैं समाज में प्रसन्नता के साथ रह सकता हूं। और शायद वही भाव इस वीर बालक सुमित के मन में आया होगा कि मेरा जीवन तो तभी श्रेष्ठ होगा जब मैं अन्य लोगों का जीवन बचाने में कामयाब रहूंगा। और ये ईश्वर की लीला देखिए कि ये भी बचा और वह चार जो और बच्चे थे, पांच जो और बच्चे थे, वह भी सुरक्षित बचे। तो ये समीचीन है। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय व्यापार मंडल के उन योजनाकारों के लिए जिन्होंने आज के इस अवसर पर इस बालक को बुला करके यहां सम्मानित किया। बहुत प्रसन्नता की बात, बहुत प्रसन्न की बात। और हम सबको भामाशाह के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि हम सब भामाशाह हैं, देश को सजाने का काम करते हैं, देश को संवारने का काम करते हैं। देश सजता कैसे है, देश समर्थता कैसे है, देश सजता है अच्छे अच्छे विकास के कार्यों से, सुंदर सुंदर सड़कों से, सुंदर सुंदर पुलों से। और ये सब विकास के कार्य जो होते हैं वो तब होते हैं जब खजाने में पैसा होता है। और खजाने में पैसा कौन देता है, हमारा ये जो बैठा हुआ यहां पर व्यापारी वर्ग है, ये मेहनत करके परिश्रम करके। मैं तो प्रमाणिकता के साथ ये बात कहता हूं कि इस संसार में
इस भारतवर्ष में, उत्तर प्रदेश में, बरेली में अगर सबसे मेहनत कश कोई व्यक्ति है तो मेरा ये बैठा हुआ व्यापारी है। हम सरकार के ऑनरेरी टैक्स कलेक्टर हैं, सरकार के खजाने में टैक्स जमा करते हैं, जीएसटी के रूप में, आयकर के रूप में, भिन्न भिन्न करों के रूप में, मगर सरकार से कभी हम उसके बदले में कुछ पैसा नहीं मांगते, सरकार से कोई सुविधा नहीं मांगते। हम स्वयं के बल पर अपना परिवार चलाते हैं, हम रोजगार भी नहीं मांगते, उल्टा रोजगार देने का काम करते हैं। तो